होगी, जलसा करेगी जलसा। और आपकी बेटी ने दूसरे लड़कियों से थोड़े ज्यादा व्रत किए होंगे, तभी उनका रिश्ता पोपट भाई के साथ होने जा रहा है। वाह, अच्छा आप पोपटलाल जी के बारे में कुछ और बता सकते हैं, उनके रिश्तेदारों या घर परिवार के बारे में? जी, पोपटलाल यहाँ मुंबई में अकेला रहते, उसके कुछ रिश्तेदार हैं मगर वो भोपाल में रहते। अच्छा, यहाँ अकेले रहते हैं? पर हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी पोपट भाई का परिवार ही है। हाँ, हमारे गोकुलधाम वाले सब एक दूसरे के सुख दुख के साथी है, सब एक दूसरे का अपने परिवार के जैसा ही ख्याल रखते हैं। वाह, कर भला तो हो भला। अच्छा, ये पोपटलाल जी किराए के मकान में रहते हैं? नहीं नहीं, ये गोकुलधाम सोसाइटी में पोपट भाई का खुद का घर है। हाँ, अच्छी नौकरी भी है, एक जागरूक पत्रकार। हाँ, तूफान एक्सप्रेस में। और आपको पता है, पोपट भाई ने अपनी होने वाली पत्नी के लिए बहुत सारे गहने बनाकर रखे हैं और 15 लाख से भी ज्यादा रुपए की बचत करके रखी है। सच कह रही हूँ, आपकी बेटी पोपट भाई के घर पर राज करेगी, राज। वाह, कितनी अच्छी बात है, पोपट लाल जी आगे के बारे में भी सोचते हैं। विश्वजीत जी अपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। हाँ हाँ, मेरा छोटा सा परिवार है, एक बेटा है उसका नाम राजा है, एक बेटी है जिसका नाम सपना है, प्यार से हम उसे मिंटी बुलाते हैं। अब राजा है तो बड़ा, लेकिन कहता है जब तक बहन की शादी नहीं होगी मैं शादी नहीं करूँगा। बहुत प्यार करता है अपनी बहन से और मेरी बेटी मेरी हर बात मानती है। वाह वाह वाह, विश्वजीत जी आपने भी अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए। जी शुक्रिया। अब मेरे माँ बाप तो मेरे साथ नहीं है, लेकिन उनके संस्कार हमेशा मेरे साथ रहते हैं, कर भला वो भला। अच्छा विश्वजीत जी, आप क्या लेंगे, चाय कॉफी ठंडा? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। पोपट भाई की बातों में मैं आपको ये पूछना ही भूल गई, आप क्या लेंगे? नहीं 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 दया बहन, कुछ नहीं कुछ नहीं। नहीं नहीं, आप पहली बार हमारे घर पर आए हैं, आपको कुछ तो लेना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, आप फॉर्मेलिटी मत कीजिए, लेकिन मुझे आपसे एक विनती करनी है। मैं पोपट जी के बारे में यहाँ जानकारी लेने आया हूँ, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, पोपट लाल जी को भी नहीं। क्यों? वो क्या है, मैं उनके पीछे से उनके बारे में जानकारी ले रहा हूँ, ये बात उन्हें कभी पता चलेगी तो उन्हें बुरा लग सकता है। पर एक बार मैं अपनी बेटी से तो बात कर लूँ। देखिए, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ये बात हमारे बीच में रहे तो बहुत अच्छा है। अरे अरे, आप हाथ मत जोड़िए, ठीक है हम पोपटलाल को नहीं बताएंगे। हाँ, आप हम पर भरोसा रखिए, पोपट भाई को ये बात नहीं बताएंगे। कौन सी बात है भाभी? पोपट भाई, नमस्ते चाचा जी। हाय पोपट अंकल। हेलो, ओ मेहमान आए घर पर, नमस्ते। पोपट भाई आप बैठिए ना, बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर आता हूँ। हाँ भाभी, चाय पीने ही आया हूँ। हाँ। लेकिन अभी आते आते मैंने सुना आप कह रही थी कि हम पोपट भाई को नहीं बताएंगे, ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे नहीं बताएंगे? कहीं भिड़न ने अखबार की बात को लेकर फिर से बखेड़ा तो नहीं खड़ा किया? अरे नहीं नहीं पोपट, वो बात तो वही खत्म हो गई थी ना। अच्छा, तो फिर ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे नहीं बताने वाली है? नहीं नहीं पोपट भाई, ऐसी कोई खास बात नहीं है। फिर नहीं बताइए ना दया भाभी। हाँ, वो साड़ी का सेल लगा है ना। हाँ। तो ये बात मुझे आपको नहीं बतानी थी, मैं आपके लिए चाय बना कर लेकर। एक मिनट एक मिनट, उसमें नहीं बताने लायक क्या है दया भाभी? नहीं 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 दया भाभी, बात वो नहीं है, बात जरूर कुछ और है, बताए बताए क्या बात है। ठीक है बताती हूँ। सुनिए, वो मेरी मासी का लड़का है ना योगेश, वो 32 साल का है और अभी 2 दिन पहले ही उसकी शादी हो गई। हाँ, ये बात तुझे नहीं बतानी। क्यों? ये बात सुनकर तुझे दुख होता ना? नहीं, मुझे क्यों दुख होता, मैं तो उल्टा खुश होता कि भाई मेरा एक कॉम्पिटिटर कम हुआ, प्रतिस्पर्धी। मैं चाय
मैं लेकर आती हूँ। नहीं, नहीं नहीं एक मिनट दया भाभी, आपको देखकर अभी भी मुझे लग रहा है कि बात जरूर कुछ और है। भाई जो भी है मुझे बता दीजिए, छुपाइए मत मुझसे, बताइए। माँ माता जी, ये कैसे धर्म संकट में फंस गई? आप ये सब टप्पू को पूछिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे बता भैया टप्पू, ऐसी कौन सी बात है जो मुझे नहीं बतानी चाहिए? वो पुपड़ अंकल, दरअसल बात है कि मैंने बराबर सुना नहीं, अब दादाजी से पूछिए ना। दादाजी मैं क्लब हाउस आ रहा हूँ खेलने। सुन सुन चाचा जी, अब आपको तो बताना ही पड़ेगा। भाई ऐसी कौन सी बात है जो मुझे नहीं बतानी? देख पोपट, सच कहूं तो यहाँ तेरे रिश्ते की बात चल रही है। क्या मेरे रिश्ते की बात चल रही है? नहीं नहीं, मतलब ये मेरे दोस्त हैं विश्वजीत। नमस्ते। तो मैं इनसे कह रहा था कि हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में एक बहुत ही अच्छा लड़का है पोपट लाल, तो उसके लिए कोई रिश्ता हो तो हमें बताना, है ना? हाँ हाँ, आप चंपक चाचा के दोस्त होने के नाते मेरे भी चाचा हुए पाई लागू चाचा। लेकिन चाचा जी, इसमें नहीं बताने वाली कौन सी बात? नहीं, वो बाद में तू फिर इन्हें रिश्ता ढूंढने के लिए परेशान कर देता ना। ओ अच्छा, अब ये बात मुझे हजम हुई। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करता, लेकिन मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटला। अगर आपकी नजर में मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की हो तो जरूर बताइएगा। लीजिए चाय, लीजिए काका। लाइए, वाह वाह वाह। पोपटलाल जी का सही कैरेक्टर जानने का यही मौका है। चाचा जी, वो रिश्ता? हाँ हाँ, अरे भगवान ने चाहा तो आपका रिश्ता जरूर होगा। कर भला हो भला। चाचा जी, भला करना चाहिए, लेकिन भला करने से भला ही होता है ये जरूरी नहीं है। मतलब? मतलब ये है कि मैं बचपन से आज तक लोगों का भला करते आया हूँ, लेकिन मेरा भला नहीं हुआ, मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है। देखो बेटा, हमारा काम है भला करना, बाकी जो भाग्य में होता है वो मिलता है, जो भाग्य में नहीं होता वो नहीं मिलता। माफ कीजिए चाचा जी, आप तो मुझे डरा रहे हैं। आपके हिसाब से अगर मेरे भाग्य में शादी नहीं लिखी है तो जिंदगी भर मेरी शादी नहीं होगी। मैंने कहा ना, भाग्य में जो होता है वही मिलता है। कमाल है, एक तरफ आप कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है, और दूसरी ओर आप कहते हैं कि कर भला तो हो भला। तो ये तो आप दो तरफा बात कर रहे हैं, कोई भी एक बात कीजिए। ये डिब्बा डिब्बा ही रहेगा। ये पोपट के लिए अपनी बेटी का रिश्ता सोच रहे हैं, और ये है कि ओहो माता जी, ये पोपट भाई क्या कर रहे हैं? उन्हें सद्बुद्धि दीजिए कि लड़की के पिताजी से ना उलझे। अरे नहीं नहीं पोपटलाल जी, मैं दो तरफा बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी सोच गलत है। आपकी शादी नहीं होगी तो आप भलाई नहीं करेंगे? मान लीजिए पूरे जीवन भर आपकी शादी हुई नहीं तो आप भलाई करनी छोड़ देंगे? लो, विश्वजीत काका ने तो पोपट भाई की दुखती रग पर ही हाथ रख दिया, अब क्या होगा? क्या क्या कहा आपने? जीवन भर मेरी शादी दो? चाचा जी, ये आपके दोस्त है कि मेरे दुश्मन? मेरे लिए कैसे अशुभ अशुभ बातें सोच रहे हैं? अरे पोपटलाल जी, मैंने सिर्फ मानने के लिए कहा। हाँ। पर क्यों मानूं मैं ऐसा? पर आप क्यों चाहते हैं कि जीवन भर मेरी शादी ना हो? आप चाचा जी के दोस्त हैं और बुजुर्ग, इसलिए मैं चुप। दया भाभी, आप तो जानती है ना शादी को लेकर मेरी मनोव्यथा, और ये कह रहे कि जीवन भर मेरी शादी नहीं हो? अरे क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? चाचा जी, अगर लूटना ही है तो किसी के पैसे धन दौलत सब लूट लो, लेकिन सपने मत लूटो, पाप लगता है पाप। अरे बाप रे, ये डिब्बा तो अपनी ही नाव डुबाने पे तुला हुआ है। अरे पोपटलाल जी, माफ करना, मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था। आपके भाग्य में शादी जरूर लिखी होगी और आपकी शादी जरूर हो। हाँ, हो जाएगी। अरे इतनी चिंता क्यों करता है, तेरी शादी जरूर होगी। अरे बिल्कुल होगी, मैंने अलग अलग ज्योतिषों को अपनी कुंडली दिखाई है और सबने कहा है कि मेरी शादी जरूर होगी। मैं कुंडली कैसे गलत हो सकती है? नहीं नहीं, गलत नहीं हो सकती, तेरी शादी जरूर होगी। हाँ हाँ, कुंडली बिल्कुल गलत नहीं हो सकती, शादी होगी आपकी। पोपट भाई, आप चाय पीजिए ना। हाँ ले, चाय पी, चाय पी, चाय पी। चाचा
चाचा जी वो गुस्से में मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया। क्या है ना, गुस्से में इंसान की समझदारी कमजोर हो जाती है। पता नहीं मैंने आपको क्या क्या कह दिया, सॉरी सॉरी चाचा जी। अरे नहीं 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 पोपटलाल जी, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कई बार। चलिए अब आपसे विदा लेता हूँ, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। मुझे भी। चाचा जी वो आप मेरे लिए लड़की ढूंढेंगे ना? कोशिश करूंगा, कर भला तो हो भला। आइए मैं आपको नीचे तक छोड़ देता हूँ। हाँ हाँ चलिए मैं भी चलता हूँ। अरे नहीं उसकी जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। अरे नहीं कोई बात नहीं, घर आया मेहमान तो भगवान समान होता है, कोई बात नहीं। आइए चाचा जी, आइए आइए आइए। संभल के चलना। ओके देव भाई। हाँ हाँ नमस्ते भाई। आजकल गर्मी कितनी बढ़ गई ना यहाँ पे। हाँ। देखो ना कोमल भाभी, गोली को खास कहना कि लिक्विड डाइट खाए, नारियल पानी, नींबू पानी, पानी ज्यादा पिए। हाँ, श्योर, थैंक यू। और बहनों कैसी हो? अच्छे, आप कैसे हो कोमल भाई? अरे फर्स्ट क्लास। नमस्ते चाचा जी। हाँ। नमस्ते, नमस्ते। चाचा जी आपके घर मेहमान आए हैं। हाँ। आप कुछ बताना मैं। आइए ना चाय नाश्ता कीजिए। अरे कोमल भाभी आप यहाँ आइए ना मेरे घर। मैं भी यहीं पे रहती हूँ, आप आइए चलिए घर पे। अरे नहीं 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 मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। दरअसल हमारी ये गोकुल धाम सोसाइटी है ना, वो बिल्कुल एक परिवार जैसी है। सब एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और किसी एक के घर पे मेहमान आए ना तो वो पूरी सोसाइटी के लिए मेहमान हो जाते हैं। वो तो दिखाई दे रहा है। चलिए मैं चलता हूँ, चाचा जी फिर मिलता हूँ। ओके ओके बाय बाय। चलिए मैं भी चलता हूँ जी। अच्छा आप जाएंगे कैसे? आप एक मिनट यहाँ रुके, मैं आपके लिए बाहर से रिक्शा मंगवा देता हूँ। नहीं 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 उसकी जरूरत नहीं है, गाड़ी है बाहर। चलो मैं वहाँ तक छोड़ देता हूँ। अच्छा नमस्ते। अच्छा विश्वनाथ जी वो पोपट की बात का बुरा मत मानिएगा, उसका गुस्सा एकदम सोडा की बॉटल जैसा है, वो फटक से गुस्सा हो जाता है फिर फटक से शांत भी हो जाता है, मन में कुछ नहीं रखता, वो दिल का बहुत अच्छा लड़का है। नहीं कोई बात नहीं, मैं सोच कर आपको फोन करूंगा फिर जी। चलिए आप तकलीफ मत कीजिए, मैं चला जाऊंगा जी। कोई बात। वैसे बबीता जी दया भाभी के घर मेहमान आए हैं और उन्होंने हमें बताया भी नहीं। हाँ और साथ में पोपटलाल भाभी थे, जरूर कुछ खास बात होगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है ना। चलो हम लोग दया भाभी को जाके पूछते हैं। हाँ, 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 चलो मंडल हमारे घर जा रही है, थोड़ी देर बाद घर जाता हूँ, तब तक क्लब हाउस में टप्पू सेना के पास जाता हूँ। पोपट भाई आपने अपने नाम में छेद कर दिया है, आपको पता ही नहीं है कि आप लड़की के पिताजी से उलझ गए हैं। जी काका ने भले सबके सामने पोपट भाई को माफ कर दिया, मन से भी माफ कर दिया हो तो अच्छा है। अरे अंजलि भाभी, बबीता जी, कोमल भाभी आइए आइए, आप लोग बैठिए ना। बैठेंगे बाद में, पहले ये बताइए कि अपने घर कोई मेहमान आया था क्या? हाँ पोपटलाल भाभी साथ में थे, कुछ खास है क्या? नहीं 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 ऐसी कोई खास बात नहीं है, एक तरफ विश्वजीत काका को दिया हुआ भरोसा है और दूसरी तरफ मेरी ये सहेलियाँ है, बात कैसे छुपाऊं? क्या हुआ दया भाभी, क्या सोच रही है? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? देखिए वी अंडरस्टैंड कि जीठा जी यहाँ पे नहीं है और आपको किसी भी तरह के कोई भी मदद चाहिए ना प्लीज हमें बताइए। हाँ 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 दया भाभी कोई भी काम हो तो बताइएगा। हाँ वो मेहमान कौन थे? सॉरी मैं नहीं बता सकती। आपको किसी ने बताने से मना किया है क्या? लगता है कुछ सीरियस बात है। ये तो बताइए कि वो जो आए थे वो कौन थे? वो विश्वजीत काका थे, रिक्शा लेकर आए थे। रिश्ता लेकर आए थे अपनी बेटी का। रिश्ता लेके आपके घर पे आए थे? अच्छा किसके लिए? मैं नहीं बता सकती बबीता जी। कमाल दया भाभी, हम सब एक परिवार जैसा तो है, आज तक हमने एक दूसरे से कोई भी बात छुपाई है नहीं ना, तो बताइए ना बताइए ना। मैं नहीं बता सकती। अच्छा तो आप ये तो बता सकती है ना कि रिश्ता किसके लिए आया था?
तो बताइए ये रिश्ता टप्पू के लिए आया था? सुंदर भाई के लिए? तो जेठा भाई के लिए तो आ ही नहीं सकता, इसीलिए पूछ रही हूँ। बोलो ना दया भाभी प्लीज। पोपटलाल भाई के लिए? माय गॉड। अरे देखिए देखिए मुक्को में भाभी बबीता जी, भी आप लोगों को पता चली गया है तो ये बात प्लीज प्लीज अपने तक ही रखना, किसी को मत बताना। हो मैंने वो लड़की के पिताजी 20 बजे काका को मैंने कहा है कि ये बात किसी को नहीं पता चलेगी, और पोपट भाई को तो पता ही नहीं है कि ये रिश्ता उनके लिए आया है। अगर उनको पता चलेगा ना तो वो नाराज हो जाएंगे और मुझे कहेंगे दया भाभी आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। दया भाभी आप बेफिक्र रहिए, हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। पर दया भाभी हुआ क्या ये तो बताइए। अरे आप ऐसा समझिए कि दूल्हे राजा ने अपने ही लग्न मंडप में आग लगा दी। क्या मतलब? पोपट भाई लड़की के पिताजी के साथ ही लड़ने लग गए। हे भगवान क्या हुआ है? इसे कहते हैं कि अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना। अब तो माता जी करे विश्वजीत काका पोपट भाई की बात का बुरा ना लगाए और खुशी खुशी रिश्ते के लिए हाँ कह दे। अरे भाई अब तो बज क्यों नहीं बज रहा, पूरा दिन निकल गया। एक मिनट इश्तियार में कोई गलती तो नहीं हुई है? कन्या चाहिए, गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, इंटरनेशनल पोपटला, सोना गारंटी, इश्तियार तो फर्स्ट क्लास है, कोई गलती नहीं। फिर अभी तक किसी लड़की का रिश्ता क्यों नहीं आया? कमाल, आज वो चंपक चाचा के दोस्त के साथ भी बेकार में उलझ गया, वो भी बेचारे मेरे लिए लड़की ढूंढने वाले। वो सोडा शॉप जाता हूँ, दोस्तों से मिलके मन थोड़ा हल्का हो जाए। अरे अरे यार होगी यार, पोपट अंकल, पोपट अंकल चले चले, पोपट अंकल अब हमारे साथ खेले, पोपट अंकल चले चले ना। अरे खेलो ना, अरे चलो पोपट अंकल, अरे पोपट अंकल सोडा शॉप में बंद है ना, हमारे साथ खेलिए, गोगी बराबर नहीं करना ऐसे में। अरे कब के हम लोग कटा गए, खेले जाओ पोपट अंकल, आप सर्विस नहीं है। कम ऑन पोपटलाल भाई हमेशा बच्चों का मन रख लेते हैं, वेरी स्वीट ऑफ हिम। हां खरे घर पर पोपट भाई का स्वभाव एकदम हंसमुख है, पर कभी कभी अचानक पता नहीं गुस्सा क्यों हो जाते हैं। हम का विश्वजीत काका के साथ झगड़ा मोल लिया। एक्चुअली वेल लेट्स होप एंड प्रे कि पोपट भाई के साथ सब कुछ अच्छा हो। हाँ मेरे दिमाग में तो कब से एक ही बात बार बार घूम रही है। कौन सी बात दया भाभी? वही कि जब पोपट भाई को पता चलेगा कि विश्वजीत काका उनके लिए ही रिश्ता लेकर आए थे तब क्या होगा। मित्रों दया भाभी जिस गति से गरबा घूमती है कई बार उससे दुगनी गति से मुसीबत में फंस जाती है। जो व्यक्ति सबका भला चाहता है वो स्वयं के लिए मुसीबतें निमंत्रित कर ही लेता है। दया भाभी सबका भला चाहती है इसलिए फंस गई है मुसीबत में। धर्म संकट है कि विश्वजीत जी अपनी लड़की का रिश्ता लेके आए हैं, ये बात पोपटलाल से छिपानी बड़ा मुश्किल है ये काम आप जानते हैं। और दूसरी ओर पोपटलाल बिना जाने अनजाने में विश्वजीत जी से भिड़के उन्होंने कुल्हाड़ी पे पैर मार लिया। अब दया भाभी किस तरह से पोपटलाल से बात छिपाती है? और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि जब पोपटलाल को पता चलेगा कि रिश्ते की बात पोपटलाल से छिपाई गई है तो तूफान एक्सप्रेस के वरिष्ठ युवा पत्रकार किस तरह से गोकुलधाम सोसाइटी में तूफान लेके आते हैं, हंसी का तूफान, ये जानने के लिए आपको देखना होगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।